सावधान, यदि आप अपनी कुशल चाहते हैं, तो एक पग भी आगे न बढ़ाए। तू जानता है हम कौन हैं? संसार हमें महादेव कहता है। आप महादेव हो, आदि देव हो, परम देव हो, अथवा देवों के देव हो, इससे मेरा कोई संबंध नहीं, किंतु मैं आपको भीतर नहीं जाने दूंगा। प्रणाम भोलेनाथ। नंदी, क्षमा करें भोलेनाथ, भीतर जाने की आज्ञा नहीं है। किसे आज्ञा नहीं है? किसी को भी नहीं। किसी को भी? अर्थात? अर्थात महादेवी की आज्ञा है कि किसी को भी भीतर प्रवेश ना करने दिया जाए। क्षमा करें भोलेनाथ, मैं तो महादेवी की आज्ञा के वश में हूँ। मूर्ख, मूढ़ बुद्धि, तो महादेवी के लिए मुझे किसी और कोई में गिनता है? मैं महादेवी का पति हूँ। ये तो सारा संसार जानता है कि आप महादेवी के पति हैं, किंतु मैं तो महादेवी की आज्ञा का पालन कर रहा हूँ। महादेवी की आज्ञा का पालन करते समय महादेव की आज्ञा का क्या होगा नंदी? महादेव की आज्ञा तो नंदी के लिए परम कर्तव्य है स्वामी। तो मैं तुझे आज्ञा देता हूँ कि मेरे मार्ग से हट जा नंदी। ऐसी आज्ञा ना दे भोलेनाथ जो महादेवी की आज्ञा के विरुद्ध हो। मूर्ख, मूढ़ बुद्धि, तू संसार में मेरा सेवक, मेरा वाहन कहलाता है, शिवांश से जन्म पाता है और आज्ञा महादेवी की मानता है। रहस्य की बातें तो मैं नहीं जानता भोलेनाथ, किंतु इतना अवश्य जानता हूँ कि आप और महादेवी अभिन्न हैं। आप दोनों में अंतर करना महापाप है। बता नंदी, शिव और पार्वती में श्रेष्ठ कौन है? दोनों ही सर्वश्रेष्ठ हैं। इस प्रकार हमें धर्म संकट में ना डालें भोलेनाथ, कृपा करके आप यहाँ से लौट जाएं। लौट जाऊं? बिना पार्वती से मिले लौट जाऊं? तेरी इच्छा के कारण? मेरी इच्छा के कारण नहीं, माता पार्वती की आज्ञा के कारण आप लौट जाएं भोलेनाथ। क्यों ना मैं तुझे ही लौटा दूं? चल हट जा मेरे रास्ते से। देवी पार्वती, तुम कहाँ हो? देवी पार्वती, स्वामी इस समय हम स्नान कर रहे हैं, आप कृपया यहाँ से चले जाएं। ये तुम क्या कह रही हो? शिव और पार्वती तो अभिन्न हैं, फिर ये हमसे संकोच क्यों? बिना सूचना दिए इस प्रकार मेरे स्नान गृह में चले आना क्या आपको शोभा देता है? आप स्वयं सोचिए स्वामी। क्या कहा था कि जब तक मैं स्नान गृह में रहूं कोई भीतर प्रवेश न करे, फिर स्वामी को तुमने रोका क्यों नहीं? रोका था माता, रोका था। रोका था? किसे रोका था? तुम्हारे रोकने से कौन रुका? स्वामी भीतर आ गए, तुम इसे रोकना कहते हो? मैंने भोलेनाथ से कहा था माता कि आप भीतर स्नान कर रही हैं, किंतु उन्होंने मेरी एक ना सुनी। मैंने आपकी आज्ञा का बार बार उन्हें स्मरण कराया, किंतु वे मुझे त्रिशूल से धकेल कर भीतर चले गए माता। तुम किसी योग्य नहीं हो, जाओ यहाँ से। पूजा के संकल्प के साथ तुम्हारा जो स्नान अधूरा रह गया था उसे पूर्ण करो। शक्ति, पहले तुम मुझे ये बताओ ये अघटित घटित कैसे हो गया? पार्वती, जो कुछ भी घटित हुआ वो परम देव श्री महागणेश की इच्छा अनुसार ही हुआ। परम देव श्री महागणेश की इच्छा अनुसार? हाँ पार्वती,
तुम पल प्रतिपल हमारी जन्म जन्मांतर की अपूर्ण मनोकामना को पूर्ण करने की दिशा में ही बढ़ रही हो। ये घटनाएं तुम्हें उसी पूर्णता की ओर ले जाएंगी। किंतु शक्ति देवी पार्वती, बीती हुई घटना पर इस समय बात करना व्यर्थ है। तो मैं क्या करूं? अपने अपूर्ण संकल्प को पूर्ण करो पार्वती। व्यर्थ के वाद विवाद से उद्विग्न होने के स्थान पर संपूर्ण संकल्प स्नान का आयोजन करो। संपूर्ण स्नान का आयोजन अर्थात? शिव प्रिया देवी पार्वती, इन दिव्य उपटनों को शुभ संकल्प के साथ अपने तन पर लगाओ। जब इन उपटनों की दिव्य सुगंध से तुम्हारा मन भी प्रसन्न हो जाए तो स्नान के लिए प्रस्थान करो। तुम्हें अनुभव होगा कि ऐसा दिव्य और आनंद भरा स्नान तुमने आज से पहले कभी नहीं किया होगा। देवी पार्वती, इन दिव्य उपटनों का उपयोग करो, किंतु इनकी दिव्यता से इतनी अधिक प्रभावित ना हो जाना कि स्नान करना ही भूल जाओ। गौरी पुत्र गणेश,
मेरा गणेश, मेरा गणेश, मेरा गणेश। माता, देवी पार्वती, पार्वती, इन दिव्य उपकरणों का उपयोग करो, किंतु इनके देवता से इतनी अधिक प्रभावित न हो जाना कि स्नान करना ही भूल जाओ। पुत्र गणेश, मैंने श्री महागणेश की पूजा का संकल्प किया है। मैं स्नान करने स्नान गृह जा रही हूँ। तुम यहाँ मेरे प्रहरी बनकर द्वार पर ही खड़े रहना, किसी को भी भीतर ना आने देना। मेरे रहते हुए कौन भीतर आएगा माता? लो पुत्र, ये दंड धारण करके तुम गणों में श्रेष्ठ, गणों के ईश्वर और दंड नायक बन जाओ। जो तुम्हारी आज्ञा ना माने उस पर दंड का प्रयोग करना, किंतु जो आज्ञा मान ले उसे अपनी कृपा प्रदान करने में कभी संकोच ना करना। जो आज्ञा माता। जय माता की, जय माता की, जय माता की। पुत्र गणेश, पुत्र गणेश, तुम्हें भूख लगी थी ना? हाँ माता, अत्यधिक भूख लगी है। पुत्र गणेश, इन स्वादिष्ट मोदकों का भोग लगाओ, इससे तुम्हारी भूख शांत हो जाएगी। किंतु पुत्र, इस द्वार पर डटे रहना, जब तक मैं लौट कर ना आऊं यहीं पर पहरा देना। जय माता की। माता, आप निश्चिंत होकर स्नान करने जाइए, मैं यहाँ डटा रहूंगा। जय माता की। इसकी सुगंध तो बहुत अच्छी है। सुगंध ही नहीं, इनका स्वाद भी बहुत अच्छा है। ये कौन बोला? ये हम बोल रहे हैं। अरे, ये मोदक कहाँ गए? हम यहाँ हैं। अरे, तुम लोग वहाँ कैसे चले गए? पहले आप ये बताइए कि आप कौन हैं? हम श्री गणेश हैं। श्री गणेश? पहले मुझे खाएं। नहीं श्री गणेश, पहले मेरा भोग लगाएं। आप सभी धैर्य धरें, मैं सबका भोग लगाऊंगा। नहीं श्री गणेश, मैं सबसे आगे हूँ, पहले मेरा भोग लगाएं। अति स्वादिष्ट। जय माता की। तुम कौन हो मुझे रोकने वाले? मैं कौन हूँ? अपनी माता का पुत्र हूँ। माता का पुत्र? मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा यहाँ पर। न जाने कहाँ से चले आए और अपने आप को माता का पुत्र कह रहे हो। चल हट जा मेरे मार्ग से। माता ने कहा था डर जाओ और ये कह रहे हैं हट जाओ। महोदय, मुझे हटना ही होता तो आपको रोकता है क्यों? आप इतनी सी भी बात समझ नहीं पा रहे। हम इस कैलाश के स्वामी हैं। ये संपूर्ण कैलाश हमारा है, हम कहीं भी जा सकते हैं। हमें रोकने वाले तुम कौन होते हो? चल मेरे मार्ग से हट जा। व्यर्थ का विवाद न बढ़ाएं कैलाशपति, मैं आपको भीतर नहीं जाने दूंगा। सावधान, यदि आप अपनी कुशल चाहते हैं तो एक पग भी आगे न बढ़ाएं। तू जानता है हम कौन है? संसार हमें महादेव कहता है। आप महादेव हो, आदि देव हो, परम देव हो अथवा देवों के देव हो, इससे मेरा कोई संबंध नहीं, किंतु मैं आपको भीतर नहीं जाने दूंगा।
हठी बालक, व्यर्थ का हट ना कर। क्यों ना करूं हट? आपकी बात मानकर अपनी माता की आज्ञा से विमुख हो जाऊं? असंभव। कौन है तेरी माता? जो मेरी माता को नहीं जानता वो कुछ नहीं जानता, और जो कुछ नहीं जानता उसे मैं क्यों जाने दूं? मैं आपको भीतर नहीं जाने दूंगा। मन को आनंद पहुंचाने वाले प्रिय बालक, मैं बालक अवश्य हूँ किंतु माता की आज्ञा का कट्टर पालक भी हूँ, और उनमें से नहीं हूँ जो अपनी प्रशंसा सुनकर प्रसन्न हो जाए और अनुचित समय पर प्रवेश करने वाले को मार्ग दे दे। बालक, ये तो तुम्हारी कर्तव्य निष्ठा है। मेरी कर्तव्य निष्ठा की प्रशंसा करने के लिए धन्यवाद, किंतु मेरी प्रशंसा से यह मार्ग खुल नहीं सकता। अपितु आपका मार्ग और कठिन हो गया है, क्योंकि मुझे प्रशंसा से नहीं कर्म से प्रेम है। तो मुझे अपना कर्म करने दे, तू अपना कर्म कर। आपका मार्ग रोकना ही तो मेरा कर्म है। माता की आज्ञा के बिना मैं आपको भीतर प्रवेश करने नहीं दूंगा। कौन है तेरी माता? अब आए ना मेरे मार्ग पर, क्या पूछते हैं आप? मेरी माता आखिर ब्रह्मांड की स्वामिनी है, राज राजेश्वरी है, माता गौरी है, और मैं उनका पुत्र गौरी पुत्र गणेश हूँ। जय माता की। गौरी पुत्र गणेश, किंतु गौरी ने तुम्हें कब जन्म दिया? ये तो हमें ज्ञात ही नहीं। ज्ञात होगा भी कैसे, क्योंकि मैं अजन्मा हूँ, अविनाशी, परम पुरुष, पुरुषोत्तम, शुद्ध, बुद्ध और नित्य। अजन्मे, अविनाशी, नित्य, शुद्ध, बुद्ध और मुक्त गौरी पुत्र गणेश, जाओ और अपनी माता से पूछ कर आओ कि महादेव द्वार पर खड़े हैं और भीतर आने के इच्छुक हैं। जब संसार आपको महादेव कहता है, तब तो अवश्य आप परम ज्ञानी, परम ध्यानी, महासाधक, परम योगी और बुद्धिमान होंगे, किंतु मेरा बुद्धिहीन तो मैं भी नहीं हूँ। अर्थात? अर्थात का अर्थ भी नहीं समझे। मैं माता की आज्ञा लेने भीतर जाऊं और आप मुझे द्वार पर ना पाकर भीतर प्रवेश कर जाए, मेरी माता की आज्ञा का उल्लंघन हो जाए। आपकी चतुराई धन्य है महादेव। हटे बालक, हट जा मेरे मार्ग से, अन्यथा। अन्यथा क्या, युद्ध करेंगे तो आ जा रण क्षेत्र में। छोटा होकर बड़ी बड़ी बातें करता है। उसका कारण ये है कि आप बड़े होकर छोटी छोटी बातें कर रहे हैं। युद्ध के विषय में क्या विचार है? वाचाल बालक। नहीं नहीं, इस बालक पर तीसरे नेत्र का प्रयोग अनुचित होगा। क्यों महाराज, युद्ध के नाम से भयभीत हो गए क्या? क्या सोच रहे हैं, शीघ्र बताएं। वैसे युद्ध के विषय में क्या विचार है? मेरा विचार अब तुझे मेरे गण ही बताएंगे, उनके प्रहारों से तुझे सुबुद्धि प्राप्त हो जाएगी। धन्य है महादेव, गणपति को गणों से सुबुद्ध कराएंगे। जय माता की। नंदी, शिवगणों, उस बालक ने हमारा अपमान किया है, उसे देवी पार्वती के स्नान ग्रह के द्वार से शीघ्र हटा दो। तुमने सुना नहीं हमने क्या कहा? सुना भोलेनाथ, किंतु समझ में नहीं आ रहा है, हमने तो कैलाश में कोई बालक नहीं देखा। तो क्या हम असत्य कह रहे हैं? तुम सबको हमारी बात पर विश्वास नहीं है क्या? चलो 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 चलो, शिव आज्ञा का पालन करें। चलो 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 चलो। यदि तुमने माता के कक्ष में प्रवेश कर
बालक तो उद्दंड है। उद्दंड नहीं, हाथ में दंड है। माता ने कहा था कि ये दंड धारण करके तुम गणों में श्रेष्ठ, गणों के ईश्वर और दंड नायक बन जाओ। जो तुम्हारी आज्ञा न माने उस पर इस दंड का प्रयोग करना, किंतु जो आज्ञा मान ले उसे अपनी कृपा प्रदान करने में कभी संकोच न करना। अब तुम सब बताओ कि तुम लोग मेरी आज्ञा मानोगे या इस दंड की। बातें तो बड़ी बड़ी करता है। प्रहार उससे भी बड़ा और भयानक करता हूँ। हम शिव के गण हैं, हमें प्रहार की भाषा से भयभीत मत कर। पहले तू ये बता कि कैलाश पर आया किधर से। अरे उधर तो माता का कक्ष है, तू वहाँ से आया है? तू सच सच बता, मेरी दृष्टि से बचकर तू यहाँ कैसे आया? शरीर तो इतना भारी भरकम है किंतु बुद्धि तो एकदम छोटी सी है। क्या तुम इतना भी नहीं समझते कि माता के पास आने के लिए किसी मार्ग की आवश्यकता नहीं है? नंदी महाराज, बालक तो चतुर एवं बुद्धिमान प्रतीत हो रहा है, अब हम क्या करें? कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, स्वामी का आदेश जो है ना। कुछ ना कुछ तो करना ही होगा क्योंकि स्वामी का आदेश जो है। अपने से बड़े की नकल उतारता है। तुम्हारी बुद्धि तो सती अज्ञानी पशुओं जैसी है। क्या तुम्हें इतना भी ज्ञान नहीं कि छोटे ही बड़ों की नकल उतारते हैं, बड़े थोड़े ही छोटे की नकल उतारते हैं? वाचाल बालक, हट जा द्वार से। तुम्हारे स्वामी को द्वार से लौटा दिया तो तुम सोच रहे हो कि मैं तुम्हें भीतर जाने दूंगा? भाग जाओ यहाँ से, मेरा क्रोध न जगाओ, अन्यथा माता के दिए इस दंड से तुम सब पिटोगे। भाग जाओ, जाओ। माता के दिए हुए मोदक भी नहीं खाने देते। नंदी महाराज, प्रहार का आदेश दे, आप क्या देख रहे हैं? ये माता का दिया हुआ स्वादिष्ट मोदक देख रहे हैं। इतना बड़ा शरीर ऐसे थोड़ी ना पालते होंगे। ले लो, ये ले लो। ऐसे थोड़ी ना मिलेंगे माता के दिए हुए स्वादिष्ट मोदक। पहले हमारी कृपा प्राप्त करो। तू मुझसे परिहास करता है? आवश्यकता पड़ी तो प्रहार भी करूँगा। तू ऐसे नहीं मानेगा। मूर्ख, हंसते क्या हो? पकड़ लो इस उद्दंड बालक को।
से बचाए भोलेनाथ। भोलेनाथ उसका दंड वज्र के समान कठोर है। भोलेनाथ उसके हाथों में अपार शक्ति है स्वामी, वो हमें पीटने किसी भी क्षण आ भी आ सकता है प्रभु। उसे रोके भोलेनाथ, रोके शिव शंकर, रोके। पधारने का कारण कहीं ये स्वादिष्ट मोदक तो नहीं? हमसे परिहास न कर उद्दंड बालक, तूने शिवान से जन्म नंदी और हमारे प्रिय शिव गुणों को अकारण ही पीट कर हमारे क्रोध को जगा दिया है। आप कैलाशपति हैं, स्वयं को महादेव भी बता रहे थे। महादेव को अकारण ही क्रोध करना शोभा नहीं देता। क्रोध का त्याग करें महादेव और माता के दिए इन स्वादिष्ट मोदकों का भोग लगाएं। अपनी दुष्टता का त्याग कर हटी बालक। अब आप स्वादिष्ट मोदकों का भोग लगाने के इच्छुक नहीं तो मैं ही लगा लेता हूँ। बता, तूने अकारण ही शिवगणों पर प्रहार क्यों किया? आपके प्रिय शिवगण तो बुद्धिहीन हैं। मैं तो उन्हें भी मोदक दे रहा था किंतु वे मूढ़ बुद्धि मेरी कृपा प्राप्त करने के इच्छुक ही नहीं थे। अब आप भी बताएं कैलाशपति कि मूर्खों को उनकी मूर्खता का दंड देना क्या अनुचित है? हट जा हमारे मार्ग से, अन्यथा तुझे भी हमारे हाथों अपनी मूर्खता का दंड भुगतना होगा। कैलाशपति, हम में से मूर्ख कौन है यह सिद्ध करना तो अत्यंत कठिन है। जो व्यक्ति बार बार रोकने पर रुकने को प्रस्तुत ना हो, जो यह समझना ना चाहता हो कि इस समय मेरी माता स्नान करने गई है, स्नान गृह में प्रवेश वर्जित है, इस पर भी जो प्रवेश करने का हट करे उसे चतुर तो नहीं मूर्ख ही कहेंगे ना? 14 भुवनों में शिव का मार्ग रोकने का दुस्साहस कोई नहीं कर सकता। अज्ञानी दुष्ट बालक, ऐसा प्रतीत होता है कि तू हमारे हाथों दंडित होकर ही रहेगा। कैलाशपति, आप मुझे दंडित करने आए हैं अथवा मेरी माता के स्नान गृह में प्रवेश पाने? यदि तू द्वार से नहीं हटा तो हम तुझे दंडित करके स्नान गृह में प्रवेश करेंगे और तेरी माता को बताएंगे एक हटी और मूर्ख बालक को द्वार पर खड़ा करके उन्होंने कितनी बड़ी भूल की है। माता ने कोई भूल नहीं की है कैलाशपति, भूल वह कर रहा है जो इसे भूल समझ रहा है। तेरी उद्दंडता अब असहनीय है, मैं अंतिम चेतावनी देता हूँ, हट जा द्वार से अन्यथा। अन्यथा क्या युद्ध करेंगे? पिछली बार भी तो युद्ध का नाम सुनकर न जाने क्या सोचकर आप चले गए थे और उन बुद्धिहीन अभागे शिवगणों को अपना विचार बताने के लिए कह रहे थे। शिवगण गणपति को आपका विचार बता ना पाए किंतु आपको मेरा विचार तो अवश्य ज्ञात हो गया होगा। अब मेरा विचार ज्ञात करने के लिए तू इस संसार में जीवित नहीं रहेगा। शिवगणों की दुर्दशा देखकर भी आप ये बात कहने का साहस रखते हैं? निसंदेह कैलाशपति, आपका साहस प्रशंसनीय है। मैं आपके साहस पर प्रसन्न हो गया। लो मेरे प्रसन्नता के कारण ही इस दिव्य और स्वादिष्ट मोदकों का भोग लगाओ। उद्दंड बालक। यदि आप भोग लगाने के इच्छुक नहीं तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैं ही लगा लेता हूँ इन स्वादिष्ट मोदकों का भोग। उद्दंड बालक, तूने हमारी सहन शक्ति का परिहास उड़ाने की भयानक भूल की है। अब तू जीवित नहीं बचेगा। कैलाशपति, बातों से तो आपने मुझे कई बार दंडित कर दिया। माता के भेंट किए हुए उन मीठे मीठे मोदकों के कारण मेरे मुंह से अब तक मीठी मीठी बातें ही निकल रही थी किंतु अब मेरी सहन शक्ति समाप्त हो गई। यदि इतने बड़े कैलाशपति होकर आप मुझ बालक पर बल प्रयोग करने के इच्छुक हैं, तो करें, मैं प्रस्तुत हूँ। माता का दंड मेरे पास भी है।
अपनी दुष्टता पर संयम रख मूर्ख बालक। बालक पर तीसरे नेत्र का प्रयोग कदापि ना करें, यह संसार की समस्त मर्यादाओं के विरुद्ध होगा। आप थक गए क्या कैलाशपति? ये तो मैंने सोचा ही नहीं था कि आप इतने शीघ्र थक जाएंगे। अब मुझसे संघर्ष व्यर्थ है, आप मुझे द्वार से हटा नहीं सकते। कुशलता इसी में है कि आप लौट जाएं और माता पार्वती के स्नान के समाप्त होने की प्रतीक्षा करें। स्वामी, ज्वालाओं के ऐसे भयानक विस्फोट आज से पूर्व मैंने कभी नहीं देखे। देवी सरस्वती, पार्वती पुत्र और शिव के संघर्ष का परिणाम सारी सृष्टि के लिए भयानक सिद्ध हो सकता है। हमें शीघ्र ही कैलाश पहुंचना होगा। ज्वालाएं कहां से आ रही हैं? परमपिता ब्रह्मदेव, रोकें, कृपया रोकें, महादेव के क्रोध को रोकें प्रभु, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। जय माता की। बालक, महादेव शिवशंकर तुम्हारे ही नहीं चराचर जगत के पूज्य हैं। तुम इनसे युद्ध का त्याग करो और अपने दुस्साहस की क्षमा याचना करो। मैंने कोई अपराध नहीं किया है, मैं तो अपनी माता की आज्ञा से इस द्वार पर प्रहरी की भांति खड़ा हूँ। माता की आज्ञा के बिना मैं किसी को भीतर नहीं जाने दूंगा। अपने से बड़े आदरणीय और पूजनीय व्यक्ति से युद्ध करना क्या तुम्हें शोभा देता है बालक? बड़ों को छोटे से युद्ध करना शोभा देता है क्या? मैं अपनी माता के अतिरिक्त इस संसार में किसी को आदरणीय और पूजनीय नहीं मानता।
जो अपनी पूजा करवाने और आदर पाने का इच्छुक हो उसे उस योग के आचरण भी करना पड़ता है। बालक, तुम्हारे क्षमा मांगने से इस संघर्ष पर विराम लग जाएगा, ये भयानक युद्ध समाप्त हो जाएगा। अपने से बड़ों से क्षमा मांगने में संकोच नहीं करना चाहिए बालक। मैं क्षमा नहीं मांगूंगा, क्षमा इन्हें मांगनी चाहिए जो माता की आज्ञा सुनकर स्नान गृह में प्रवेश करने की उतावली दिखा रहे हैं। यदि ये प्रहार रोक दे तो मैं भी रोक दूंगा। इस उद्दंड बालक को नीति ज्ञान पढ़ाकर अपना अपमान न करवाए ब्रह्मदेव, आज ये हमारे हाथों दंडित होकर ही रहेगा। हे देवाधिदेव, ये बालक अबोध है। बालकों के भयानक अपराध को भी क्षमा कर देने की परंपरा है भोलेनाथ, इसी कारण आप इसकी दृष्टता को क्षमा कर दें। कदापि नहीं, इसकी दुष्टता क्षमा के योग्य नहीं है। आज ये हमारे हाथों दंडित होकर ही रहेगा। वाचाल बालक! देवाधिदेव महादेव, क्यों व्यर्थ परिश्रम कर रहे हैं? आपने मेरी शक्ति देख ली ना, मैं पराजित होने वाला नहीं। वैसे भी मुझ जैसे बालक से युद्ध करके आपको अभ्यास के अतिरिक्त कुछ नहीं मिलेगा। जाए लौट जाए और माता के लौटने की प्रतीक्षा करें। वाचाल बालक! देवाधिदेव, अपना ये प्रलयंकारी रौद्र रूप शांत करें। इस अबोध बालक को क्षमा कर दे महादेव। माता पार्वती द्वारा प्रकट ये बालक आप ही का पुत्र है, इसे क्षमा कर दे शिव शंकर। यदि ये हमारा पुत्र भी है तब भी इसके अपराधों को दंडित करना हमारा परम कर्तव्य है। पुत्र के मोह में वशीभूत होकर हम इसके अपराधों को क्षमा नहीं कर सकते। आप दोनों हट जाएं हमारे मार्ग से। अपने दुस्साहस की क्षमा याचना कर लो बालक, अन्यथा शिव क्रोध से इस संसार में तुम्हारी कोई भी रक्षा नहीं कर सकेगा। मुझे रक्षा की नहीं, अपने कर्तव्य पालन की चिंता है। मेरी माता की आज्ञा को पूर्ण करना मेरा परम कर्तव्य है। हट जाएं आप मेरे मार्ग से। नहीं बालक, नहीं, मैं तुम्हें युद्ध नहीं करने दूंगा।
पुत्र, मेरा पुत्र, मेरा पुत्र, मेरा पुत्र, मेरा पुत्र, मेरे पुत्र, तेरे साथ ये अन्याय किसने किया, किसने किया? मेरा पुत्र। दशा करने का उत्तरदायी कौन है? जवाब दो ब्रह्मदेव, कौन है? उत्तर दे मुझे, उत्तर दे, उत्तर दे। उत्तर दे श्री हरि, उत्तर दे श्री हरि, उत्तर दे। ये दुस्साहस किसने किया देवेंद्र? उत्तर दे देवेंद्र, उत्तर दे। तुम तो कुछ कहो देवर्षि, मेरी ममता की निष्ठुर हत्या करने वाला कौन है? वो कौन है? उत्तर दे, कोई तो उत्तर दो। अपनी स्वामिनी के प्रश्न का उत्तर दो शिवगणु, कोई तो मुझे उत्तर दो। कौन है वो जिसने मेरे पुत्र को आहत करने का दुस्साहस किया है? कौन है वो? मेरी ममता की हत्या देखने के साक्षी आप सब हैं। यदि आपने सत्य नहीं कहा तो मेरा क्रोध इस संसार में प्रलय कर देगा। यदि मेरा पुत्र नहीं रहा तो कोई नहीं रहेगा। मैं सब कुछ भस्म कर दूंगी। सारा संसार मेरे संकेत मात्र पर स्वाहा हो जाएगा। उत्तर दे, उत्तर दे मुझे, उत्तर दे। काल रात्रि,
मचा दो भयंकर प्रलय, महाप्रलय, मेरे पुत्र की हत्या करने का भयंकर प्रतिशोध लो। आज जैसे मेरा पुत्र आहत पड़ा है, वैसे ही संसार में जीवन का कोई अंश दिखाई न पड़े। हर प्राणी को आहत कर दो, सब कुछ समाप्त कर दो। जाओ महाप्रलय करो, महाप्रलय। शांत हो महादेवी, शांत हो, शांत हो महादेवी, शांत हो, शांत हो जाए माता, शांत हो जाए, शांत हो माता, शांत हो, शांत हो माता, शांत हो माता, शांत हो, शांत हो माता, शांत हो। शोध अवश्य लूंगी। जिस संसार में तुम नहीं होगे, उस संसार को मैं अपनी क्रोध की अग्नि से भस्म कर डालूंगी। किसी को जीवित नहीं छोड़ूंगी। शांत हो माता, शांत हो, शांत हो माता, शांत हो, शांत हो महादेवी, शांत हो, शांत हो महादेवी, शांत हो। सर्व मंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायण नमोस्तुते। हे सबका कल्याण करने वाली महादेवी, शांत हो। शांत हो माता, शांत हो। शांत हो महादेवी, शांत हो, शांत हो महादेवी, शांत हो। सर्व मंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। आपके निवेदन का सम्मान करते हुए मैं ये घोषणा करती हूँ, यदि मेरा पुत्र पुनः जीवित हो जाए तथा उसे समस्त देवताओं से अधिक अग्र पूजा का अधिकार मिले तो मेरा क्रोध शांत हो जाएगा। धन्य है माँ देवी पार्वती, आप धन्य हैं। हे ममतामयी जगदम्बे, आप धन्य हैं। भयानक संकट काल में आपने अपने महान धैर्य का परिचय देते हुए इस संसार की रक्षा कर ली। आप धन्य हैं महादेवी, आप धन्य हैं। आप धन्य हैं महादेवी, आप धन्य हैं। इस विकट समस्या का समाधान आप ही कर सकते हैं महादेव। हे मृत संजीवनी के अधिष्ठाता शिव शंकर, अपने ध्यान को विराम दे। जागे भोलेनाथ, जागे। ब्रह्मदेव, श्री हरि विष्णु जी, देवर्षि, देवगणों, कैलाश में घटने वाली इस घटना के हम उत्तरदायी हैं, परंतु इस समस्या का समाधान आप ही कर सकते हैं।
हे मृत संजीवनी के अधिष्ठाता कल्याणकारी शिव शंकर, गौरी पुत्र गणेश को पुनर्जीवित करें। श्री हरि विष्णु जी, अपनी इच्छा से इस संसार को उत्पन्न करने वाले परमदेव श्री महागणेश की इच्छा और महालीला से हम सभी वशीभूत हैं। गौरी पुत्र गणेश हमारे इस त्रिशूल के प्रहार से प्राणहीन नहीं हुआ है। गंग 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 गंग, अर्थात महादेव, महागणेश की महालीला के कारण मेरे प्रहार से वो दिव्य बालक प्राणहीन न होकर मात्र अचेत है। इस कारण मृत संजीवनी की आवश्यकता नहीं है। श्री हरि विष्णु जी, कहें भोलेनाथ, आप उत्तर दिशा में जाएं और जो भी पहला प्राणी दिखाई दे उसका मस्तक अपने सुदर्शन चक्र से काट कर ले आएं। उस प्राणी के मस्तक और उस दिव्य बालक के धड़ की शल्य चिकित्सा हम स्वयं करेंगे, इससे पार्वती के शोक का अंत होगा। जैसी आपकी इच्छा महादेव, शुभस्य, शीघ्रम। बोलिए भगवान भोलेनाथ शिव शंकर की जय। भगवान भोलेनाथ शिव शंकर की जय। भगवान भोलेनाथ शिव शंकर की जय। देव श्री महागणेश की इच्छा पूर्ण हो, शापे तहरावत का उद्धार हो, जीव मात्र में प्रेम हो, सुदर्शन ऐरावत का कल्याण करें। श्रापित ऐरावत का उद्धार करके आपने मुझे धन्य कर दिया। श्री हरि, आपकी जय हो, आपकी जय हो। Thank you.
महादेवी पार्वती, महादेव शिवशंकर ने कहा है आपका पुत्र प्राणहीन नहीं हुआ है। देखें महादेवी, देखें, अभिमंत्रित जल के स्पर्श मात्र से बालक सचेत हो उठा है। शक्ति स्वरूपिणी महादेवी पार्वती, महागणेश की लीला और संकेत के अनुसार गौरी पुत्र गणेश उन्हीं के मूल रूप में प्रकट होगा। यह संसार इस सत्य से भली भांति परिचित है कि परम देव श्री महागणेश को अपना गजमुख ही प्रिय है। महागणेश की इस महालीला का उद्देश्य गजमुख ही प्राप्त करना था। देवाधिदेव, आप इस संसार के सर्वश्रेष्ठ शल्य चिकित्सक हैं। हे देवाधिदेव, परम देव श्री महागणेश की इच्छा का सम्मान करते हुए गौरी पुत्र को गजमुख प्रदान करें। महादेवी पार्वती, आपकी इच्छा के अनुसार हम त्रिदेव शिव और शिवा के पुत्र गजानन श्री गणेश को अग्र पूजा का अधिकार प्रदान करते हैं। महादेवी पार्वती, संसार का कोई भी शुभ कार्य गजानन श्री गणेश की अग्र पूजा और आराधना के बिना पूर्ण और संपन्न नहीं होगा। आज के पश्चात किसी भी शुभ और मंगल कार्य में गजानन श्री गणेश का पूजन कार्य की सफलता का प्रमाण होगा।